गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैंडर्ड 6 विच इज होल नंबर। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ फैक्ट पता होना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज सक्सेसर, व्हाट इज प्रेडेसेसर। ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर। What is natural number? Natural number will start from 1, 2, 3, 4 and up to infinity. यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि which is the smallest natural number, that means it is, उसका आंसर होगा 1. सबसे छोटा natural number कौन सा है, that means वो होगा 1. If 0 is included in the collection of natural number, अगर नेचुरल नंबर की जो ये सीरीज है 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी में अगर हम 0 इंक्लूड कर दे, यानी कि अब नई सीरीज कौन सी बनेगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, बिकम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, तब वो सीरीज कहलाएगी होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है वो जान लो। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1 एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0। यानी कि नेचुरल नंबर की सीरीज स्टार्ट होती है 1 से एंड होल नंबर की सीरीज स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द बिगेस्ट नेचुरल नंबर और विच इज द बिगेस्ट होल नंबर। तो बिगेस्ट, ये गिनती तो अप टू इन्फिनिटी ये चलती जाती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनिटी, होल नंबर में भी वैसा ही होता है, ये गिनती तो आगे चलते ही जाते हैं। यानी कि कोई भी बिगेस्ट होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, देर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर और देर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद में आता है सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। इफ वन इज एडेड टू अ नंबर, कोई भी नंबर में हम वन ऐड कर दे, जैसे कि नंबर है 16, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो उसका आंसर होगा 17। यानी कि 16 का सक्सेसर क्या हुआ, 17। यानी कि कोई भी नंबर है उसका आगे वाला नंबर उस नंबर का सक्सेसर होता है और कोई और उसके पीछे वाला नंबर उसका प्रीडेसेसर होता है। इफ वन इज एडेड टू अ नंबर वी गेट सक्सेसर एंड इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर वी गेट इज प्रीडेसेसर, तो हमको उसका प्रीडेसेसर मिल जाता है। तो 16 का प्रीडेसेसर क्या होता है 15 और 16 का सक्सेसर क्या होता है वो होता है 17। आगे वाला है पीछे वाला नंबर, वो हमें याद रखना है। उसके बाद में आता है एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर, हर एक नेचुरल नंबर है उसका सक्सेसर होता है, वो तो होता ही है, कोई भी नंबर होता है तो उसका आगे वाला नंबर तो होता ही है। ठीक है, पर यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात है वो हमें याद रखनी है। तो एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन हैज अ प्रीडेसेसर, क्योंकि हमको पता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, यानी कि उसका कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रीडेसेसर नहीं होता है, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका प्रीडेसेसर नहीं होता है, तो उसका आंसर आता है 1, उसका आंसर आता है 1। ठीक है, वैसे ही एवरी होल नंबर हैज अ सक्सेसर, होल नंबर का भी सक्सेसर आगे वाला नंबर होता है। ठीक है, और ये भी चीज हमको पता है कि सबसे छोटा होल नंबर है 0, यानी कि 0 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर ही 0 है, तो उसका प्रीडेसेसर नहीं हो सकता है। उसके बाद में आता है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। बट ऑल होल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर, बट सभी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाते, ये आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ट्रू और फॉल्स, हाँ सही है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, एंड होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। यानी कि ये पोर्शन तो होल नंबर में पूरा, ये नेचुरल नंबर है, ये पूरा का पूरा जो नेचुरल नंबर की सीरीज है वो तो होल नंबर में आ ही जाती है, पर होल नंबर की सारी सीरीज नेचुरल नंबर में नहीं आती, क्योंकि उसमें एक 0 एक्स्ट्रा होता है। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर्स, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, वो हमें याद रखना पड़ेगा। अब एक्सरसाइज 2.1 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड नंबर 6
चैप्टर नंबर 2 होल नंबर के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 विच इज स्टेट दैट राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999. उसके बाद के 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, बहुत सिंपल है. तो उसके बाद में क्या आएगा, 11,000, 11,001, 11,002. क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001. तो उसके पहले कौन से नंबर आएंगे, 10,001 है यहाँ पे, तो उसके पहले 10,000, उसके बाद 9,999 and 98, ठीक है. उसके बाद में विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है. सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1 और सबसे छोटा होल नंबर है 0. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 and 53. 32 and 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं वो हमें लिखना है. बीच में लिखना है यानी कि ये चीज़ हमको याद रखनी है कि 32 and 53 नहीं आएंगे, उसके बीच वाले लिखने हैं, यानी कि 33, 34 up to 52. तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So answer is there as 20 whole numbers between 32 and 53. उसके बाद में question number 5, write the successor of, ये हमको जो number दिया है ABCD में उसका हमको successor लिखना है. यहाँ पे number दिया है 2, 4, 4, 0, 7, 0, 7, 0, 1. हमको पता है व्हाट इज सक्सेसर, कोई भी नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो हमें उस नंबर का क्या मिल जाता है, सक्सेसर. तो इस नंबर का हमें सक्सेसर क्या होगा, उसमें हमें 1 ऐड कर दिया, सिंपल एडिशन कर दो तो हमें आंसर मिल जाएगा 2, 4, 4, 0, 7, 0, 2. यहाँ पे 701 है तो आंसर 702 हो जाएगा, ठीक है. सेकंड है 100, 199, तो उसमें भी हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा. कोई भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमें नंबर दिए, 10, 99, 999, जो भी नंबर दिया है, ठीक है. तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो हमें उसका सक्सेसर मिल जाएगा. वैसे ही आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें प्रीडेसर लिखना है, उसका प्रीडेसर लिखना है. वो भी हमको पता है, कोई भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसका प्रीडेसर मिल जाता है. यहाँ पे 94 है तो उसका प्रीडेसर 94 - 1 यानी कि 93. 1000 है, 1000 - 1 यानी कि 9,999. वैसे कि यहाँ पे है 208090, तो कोई भी हो तो उसमें से हमें क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है और हमें उसका प्रीडेसर मिल जाएगा. लास्ट नंबर में भी वैसा ही किया है, -1 यानी कि उसका हमें प्रीडेसर मिल जाएगा.